ये भारत जोड़ो यात्रा है, भारत तोड़ो यात्रा नहीं है। भारत तोड़ने वाले को और जो लोगों को विचारों को जोड़ने के लिए हम काम करेंगे, और वो जो तोड़ने का धर्म में, जाति में, माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटीज में एक के ऊपर दूसरे को उठा उठा कर बर्बाद कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे आज पटना पहुंचे। पटना के कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो बिहार के हैं उनके साथ बैठक की और प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर से कहा, राहुल गांधी और गांधी परिवार का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का उम्मीदवार बनने के लिए राजी नहीं है, इसीलिए मैं इस पद के लिए उम्मीदवार बना हूं। साथ ही उन्होंने वोट करने की भी अपील की कि जो भी मतदाता है वो उन्हें वोट करें। उन्होंने कहा कि अगर मैं कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता हूं तो फिर जवाब दूंगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मैं आज अपने पार्टी के तरफ से और खासकर इस चुनाव में मैं वोट मांगने के लिए आया हूं। कांग्रेस पार्टी के संगठन का अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, तो इसलिए मैं हर स्टेट में जाकर उनसे विनती कर रहा हूं और सभी डेलीगेट से मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं जो कैंडिडेट बना ये सब सीनियर लीडर्स डेलीगेट्स मुझे 18 घंटे पहले बताए कि आप इलेक्शन लड़ना चाहिए। कारण क्या है मैं पूछा, तब सभी लीडर्स आप देखे होंगे जो नॉमिनेशन में बहुत से लीडर्स आकर मेरा ये नामांकन पत्र भरने के लिए मुझे सहयोग किया, उन्होंने ये कहा कि अगर राहुल जी नहीं चुन के आना नहीं चाहते, चुनाव में उतरना नहीं चाहते, गांधी फैमिली का कोई सदस्य भी चुनाव में नहीं आना चाहते, इसीलिए गांधी जी के विचारधारा को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचारधारा को और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का हम सभी एक मिल के काम करें, तो इसीलिए हम ये चुनाव करने जा रहे हैं, उसमें मैं उतरा। देखिए, मैं संगठन मजबूत करना चाहता हूँ और जो जो संगठन में कमियां हैं जब चर्चा आती है अब उसको लेके अलग अलग स्टेट में अलग अलग समस्याएं हैं। केरल की अलग समस्या हो सकती है, तमिलनाडु को अलग है, बिहार का अलग है, यूपी में एक और तरीके, तो हर राज्य में बहुत से समस्या होते हैं, वहाँ के लोगों को पूछ के ही उस समस्या का समाधान करना हमारा काम है। थैंक यू। देखो, ये उनकी मंशा हमेशा उनके एक कलुषित मंशा है, उनके पास कभी भी दूसरों के लिए अच्छा बोलने का उनका कोई पहले से ही स्वभाव नहीं है। अरे, हर पार्टी में जब हमारे कार्यक्रम अच्छे होते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी 20 साल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, राहुल गांधी जी 2 साल अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं, अगर संगठन को मजबूत करने के लिए वो
हम अगर उनसे कोई सलाह लेते हैं तो फिर वो किसी पार्टी में नहीं, और उन्होंने कितना त्याग किया है देश के लिए, उनके परिवार वाले कितने बलिदान किए हैं देश को एकता रखने के लिए, देश से अखंडता रखने के लिए, क्या अच्छे काम जो भी है उनके हम आगे नहीं जाना, आगे नहीं रखना चाहिए। तो ये बीजेपी हमेशा ऐसा चला रही है, वहाँ तो उनके पास कोई कंसल्टेशन ही नहीं है, यहाँ पर हमेशा सबको पूछ के कंसल्ट करते हैं, अंतिम में एक फैसला आता है उबर पे। तो इसीलिए कोई ऐसा कहता है वो सब झूठ है, उसको कभी मैं नहीं मानता। देखिए चुनाव के दृष्टि से वो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने की, वो जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर बाद में बंगाल से लेकर आसाम से लेकर गुजरात तक पदयात्रा करेंगे, ये भारत जोड़ो यात्रा है, भारत तोड़ो यात्रा नहीं है। भारत तोड़ने वाले को और जो लोगों को विचारों को जोड़ने के लिए हम काम करेंगे, और वो जो तोड़ने का धर्म में जाति में माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटीज में एक के ऊपर दूसरे को उठा उठा कर बर्बाद कर रहे हैं, कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी अंतर्गत लोगों को कुछ ना कुछ बोल के वो करते हैं। तो इसलिए हमारा चुनाव के दृष्टि से वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, समाज को देश को जोड़ने का काम है। वो विचार जो संविधान में है, उस संविधान के विचारों को, गांधी और नेहरू जी के विचार को लोगों में एक जागृति पैदा करना, ये हमारा काम है। धन्यवाद। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उस यानी डिक्लेरेशन का एक डॉक्यूमेंट है, हमने लोगों को वचन दिया है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम ये सारी चीज़ें जो उस डिक्लेरेशन में कहे हैं, जैसा कि उदाहरण के तौर पर चुनाव में 50 साल के युवा, उससे भी कम उम्र वाले 50 साल से भी, उनको हम 50% रिजर्वेशन या सीट्स देने का तय किया है, तो वो मैं लागू करने की पूरी कोशिश करूंगा, सबको मनवान कर वो युवाओं को टिकट मिले और वो चुनाव लड़े। अब सब कम्युनिटी में युवा है, दलित में है, बैकवर्ड्स में है, जनरल में है, खासकर महिला है, ये सबको, और सब संगठन के जितने भी लोग हैं उनको लेकर 50% उनको सीट देना, ये वायदा वहाँ पर जो किया है हमने उसको लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा किसान, असंगठित कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर्स को बचाना, उसके लिए लड़ना, ये काम भी हम करने जा रहे हैं। और खासकर हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है वहाँ पर पार्टी के संगठन के साथ मिलकर काम करने का, और वहाँ संगठन मजबूत करने के लिए सबकी राय लेकर आगे बढ़ेंगे। जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी मजबूत बनाएंगे। तो ये चीज़ें जो हमने उस उदयपुर डिक्लेरेशन में किया है वही मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो है। मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो सेपरेट हो नहीं सकता, जो सभी ने मिलकर तैयार किया है। क्या मैं ये कहूँ कि उसमें कमजोरियाँ? अरे आज हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उम्मीदवार भी पार्ट ऑफ दैट रेजोल्यूशन, सो इट इज आवर ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट इट। अगर नई चीजें जो भी आएंगे हम मिलके करेंगे, हमारे पास वर्किंग कमेटी होती है, इलेक्शन कमेटी में सिलेक्शन के लिए
इलेक्शन कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, अंतिम में बोर्ड कमेटी भी कभी बनेगी, तो हर विषय पे हमारे पास एक स्टेज है। अगर कोई चुनाव भी होता है डीसीसी के रिकमेंडेशन लेते हैं, पीसीसी लेते हैं और फिर ऑब्जर्वर के रिपोर्ट लेते हैं। ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज हमारे पास है, लेकिन लोग उसको ये इनके पास डेमोक्रेसी नहीं, किसको पूछते नहीं करते। हम तो सबसे पूछते हैं, नहीं पूछने वाले कौन है? वो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, वो किसको भी नहीं पूछते। रातों रात चीफ मिनिस्टर बदलते हैं, रातों रात अध्यक्ष बदल के नया लाते हैं, एक्सटेंशन भी वही करते हैं और हमको बोलते हैं कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं, किसी एक को फॉलो कर रहे हैं। अरे हम सबको लेके जाने के लिए एक आज हमने तय किया है। मैं कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास रखता हूँ, सबके साथ कलेक्टिवली कंसल्टेशन का प्रोसेस रखूंगा और सबको साथ लेके मैं चलूंगा। सुना आपने क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने? एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं केंद्र में, वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे इस तरह का बयान दे रहे हैं। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए।